आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। रुक करते हैं अपनी पहली बड़ी खबर की तरफ। एक तरफ प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो वहीं प्रदेश में चुनाव से पहले आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। कानपुर और कन्नौज के बाद अब आगरा में आयकर की छापेमारी जारी है। आगरा में जूता कारोबारियों के यहाँ लगातार 4थे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। शू एक्सपोर्टर्स विजय आहूजा, मानसी चंद्रा, मनु अलग, राजेश सहगल उर्फ रूबी सहगल के यहाँ छापा चल रहा है। आयकर विभाग की टीमों ने चारों जूता कारोबारियों के घर पर लॉकरों की छानबीन की, जिसमें बड़ी मात्रा में जमीन खरीद से जुड़े संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। शहर के चारों कोनों पर उन्होंने संपत्तियों की खरीद फरोख्त की है। वहीं आयकर टीम ये जानने का प्रयास कर रही है कि निवेश की इस रकम का असल में स्रोत क्या है। एक ही पते पर कई कंपनियों के मामले की जानकारी सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों को भी दी गई है। तो बड़ी खबर है ये आज की, क्योंकि घर के लॉकर में कागजात मिले हैं और 4 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आयकर की छापेमारी चल रही है। ये चारों जूता कारोबारी हैं और कानपुर के बाद अब यहाँ पे छापेमारी चल रही है। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि कारोबारियों पर जो ये कार्रवाई चल रही है, ये बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि एक तरफ जहाँ चुनावी माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह से आयकर की ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई भी चल रही है। और हमारे साथ आगरा से संवाददाता ममता जुड़ चुकी है इस खबर पे। आगरा से ये खबर सामने आई है, तो ममता से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि जो छापेमारी की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। ममता, जिस तरह से कानपुर के बाद अब कन्नौज के बाद आगरा में ये छापेमारी चल रही है आईटी की, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आयकर विभाग की ये जो छापेमारी है, आज चौथा दिन है उसको, मंगलवार से लगातार 24 घंटे लगातार जो आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं, लगातार जो आगरा के जो चार जो जूता कारोबारी हैं, उनके लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इनमें जैसे विजय आहूजा, मानसी चंद्रा और मनु अलग जैसे और जो रूबी है, उनके यहाँ जो आयकर विभाग की लगातार 4 दिन से लगातार छापेमारी चल रही है। और लगातार इस छापेमारी के बाद अब तक जो आयकर विभाग के जो भी अधिकारी हैं, साफ तौर से उनका कहना, अभी तक कोई भी ऐसा सामने मीडिया के सामने कोई भी आज तक कोई बयान नहीं अब तक आया है जी। कि मतलब जो भी है, जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हम लोग को मिली है वो यह है कि जो नकदी वाला जो मामला है, जो नकदी है, जो पैसे की जो जो है ना, वो इस तरह की कुछ भी बहुत कम मात्रा में मिली है। लेकिन वही बात करें अगर उनके जो जमीन की निवेश थी, तो उस तरह की जो कागजात हैं वो इनके एक लॉकर में मिले। चारों जो कारोबारी, चारों कारोबारी के घर के अंदर एक लॉकर के अंदर बंद जमीन के कागजात मिले हैं, जिसमें कि उन कागजातों में सूत्रों के हवाले से इस खबर है कि उसमें ये चीज निकल के आ रही है कि जो जैसे कि जमीन 10 रुपए की है, कीमत की है, और वहां उनके पास उनका जो जो उनका कारोबार है, उसका निवेश है, उसका 10% से ज्यादा, उनको 100%, जैसे 10 रुपए की अगर जमीन है तो उनके पास 100 रुपए की जमीन के कागजात मिले। तो बात बड़ी बात यह है कि अगर उनका 10 रुपए की अगर इनकम है, तो 100 रुपए बाकी के 90 रुपए का जो उनका जमीन का भरोसा था, वो कहाँ से आया? जी जी, तो यानी कि बड़ी घपले किए गए हैं। और अगर बात करें कानपुर और कन्नौज की, तो वहाँ पे जितनी भी छापेमारी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं सपा नेताओं से जुड़ी हुई बताई जा रही है। जितने भी लोगों पे छापेमारी हुई है, उनका कहीं ना कहीं लिंक जोड़ा जा रहा है सपा नेताओं पे, और ये कहा जा रहा है कि सपा नेताओं के ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है। तो जो ये आगरा में जूता कारोबारी है, क्या इनका भी कोई सपा से लिंक है? जी बिल्कुल सिखा, जिस तरह के जो मनु अलग है, उनका जो पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव है, उनसे पूरा उनका घरेलू लिंकअप है। और उनका साफ तौर से जिस तरह की हम बात कर सकते हैं, फिलहाल अभी अधिकारियों के ने अभी कोई भी बात कहने से साफ मना किया है, कोई भी कैमरे के आगे बोलने से अब तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगर हम बात करें, तो जो मनु अलग है, उनके अखिलेश यादव से बहुत नजदीकी घरेलू टर्म्स है, बहुत नजदीकी ताल्लुक रखते हैं अखिलेश यादव परिवार से। और जब मनु अलग की जो माताजी एक्सपायर हो गई थी पिछले सितंबर के माह में, तो अखिलेश यादव पर्सनली उनके घर उनको सांत्वना देने भी आए थे जी। तो साफ तौर से यह है कि मनु अलग और जो भी जूता कारोबारी, उनके कहीं ना कहीं अखिलेश, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से ट्रम्प्स रहे, और यही कारण निकल के आ रहा है, जहां तक है देखा जा रहा है कि जो सपा से ताल्लुक रखते हैं उनके यहाँ
लगातार आईटी की भी छापेमारी लगातार जारी है और आज चार दिन हो गए आगरा में चारों कारोबारियों के, चार दिन से लगातार आईटी की छापेमारी चल रही है। जी जी ममता, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये जूता कारोबारी है, क्या इनमें आपस में भी कोई लिंक है या फिर सिर्फ छापेमारी का ही लिंक है कि एक साथ आयकर की टीम इन पे छापेमारी कर रही है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बात की कि मनु अलग जैसे अखिलेश यादव के जो करीबी है, नजदीकी है, और भी जो जूता कारोबारी है वो अखिलेश यादव से लिंक रखते हैं। हालांकि पार्टी से इनका कोई भी लिंकअप नहीं है, तो पार्टी के तो किसी भी कार्यकर्ता की सदस्यता इस तरह का कोई भी लिंकअप नहीं। जी आपस में चारों कारोबारियों का आपस में लिंक निकल के आया। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से। तो घर के लॉकर में कई दस्तावेज मिले हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अपने पैसों का निवेश इन्होंने प्रॉपर्टी में किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर सियाना हिंसा का आरोपी योगेश राज ने बुलंदशहर सत्र न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य योगेश राज ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में योगेश राज की जमानत खारिज कर 7 दिन के भीतर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया है आरोपी ने। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को हुई सियाना हिंसा का मुख्य आरोपी है योगेश राज, जिसने सियाना हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो जो मुख्य आरोपी है उसने आखिरकार 3 दिसंबर 2018 की घटना के बाद अब आज जाके सरेंडर कर दिया है और अब ये फैसला भी इस पे होगा आगे की कार्यवाही चलेगी कि क्या कुछ सजा देनी चाहिए और क्या नहीं देनी चाहिए। और न्यायालय ने सरेंडर करने के लिए भी कहा था। भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य योगेश राज ने इसकी जानकारी दी है और सुप्रीम कोर्ट ने योगेश राज की जमानत खारिज कर दी है और 7 दिन के भीतर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिस आदेश पर मुख्य आरोपी ने सरेंडर भी कर दिया है। आपको बता दें कि ये गौकशी का मामला था, जो हिंसा हुई थी वो उस वक्त हुई थी जब ये गौकशी का मामला चल रहा था। बुलंदशहर सियाना हिंसा उस वक्त यानी कि 2018 में काफी बड़ा मुद्दा भी बन गई थी, क्योंकि एक इंस्पेक्टर जिनका नाम सुबोध कुमार था उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्योंकि जब गौकशी की जानकारी दी गई तो उस वक्त तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी। तो जो ये खबर सामने आई ये काफी अहम भी है, क्योंकि काफी समय बाद आरोपी ने खुद सरेंडर करा है और जो न्यायालय है उसके आदेश का पालन भी किया है। तो बुलंदशहर से ये खबर सामने आ रही है, जहां सियाना हिंसा का जो ये मामला है ये काफी अहम है। और बुलंदशहर सत्र न्यायालय में सरेंडर किया गया है जो जानकारी मिली है, और सियाना हिंसा का ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। काफी बड़ा मामला था, क्योंकि 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के सियाना कस्बा गोकशी की घटना के बाद आगजनी और काफी बवाल हुआ था। पुलिस ने 34 नाम दर्ज करे थे और 60 लोगों को अज्ञात में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। आरोपियों की रिहाई के बाद शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 2018 से यानी काफी लंबे समय तक ये केस चला और आखिरकार जब ये आदेश दिया गया तो अब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। तो यूपी के बुलंदशहर में हुई सियाना हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद जिला पंचायत सदस्य बने आरोपी योगेश राज की मुश्किलें बढ़ गई थी। 7 दिन के अंदर कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं योगेश राज ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को सत्र न्यायालय में सरेंडर करेंगे, जिसके बाद आज सरेंडर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 34 नाम दर्ज किए गए थे, क्योंकि जो आगजनी और बवाल हुआ था उसमें कई आरोपी थे और 60 लोगों के अज्ञात मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शिवांग शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवांग, हम जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। जिस तरह से पहले ही सोशल मीडिया पर ये जानकारी दे दी थी कि सरेंडर करेंगे और आज भी सरेंडर कर दिया गया है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या है पूरा मामला? शिवांग, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि आज सरेंडर कर दिया गया है, 7 दिन की मोहलत मिली थी कोर्ट की तरफ से और 7 दिन की मोहलत के बाद आज सरेंडर कर दिया है। और ये काफी मुश्किलें बढ़ाने वाला भी था क्योंकि कई लोग थे जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो बुलंदशहर सत्र न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। हमारे साथ इस खबर पे संवाददाता शिवांक जुड़े हुए हैं। शिवांक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बुलंदशहर सयाना हिंसा का मुख्य आरोपी जो कि योगेश राज है, उसको आदेश दिया गया था कोर्ट की तरफ से कि आपको आत्मसमर्पण करना है, सरेंडर करना है। और ये सरेंडर कर भी दिया गया है क्योंकि इस बबाल और आगजनी में जो इंस्पेक्टर थे सुबोध कुमार, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या के बाद उनकी पत्नी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था न्याय के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं और जिले में कोरोना के 14 एक्टिव केस हो गए हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। डीएम ने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कराने का निर्देश भी दिया है। तो देश प्रदेश में अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और लखीमपुर से भी कोरोना के जो नए मामले आ रहे हैं उसको देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। बात करें रात्रि कर्फ्यू की, तो उसका भी पालन कराने के लिए अब प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जहां गश्त करता हुआ नजर आ रहा है, बेवजह घूमता देख लोगों को उनपे समझाया जा रहा है, उनको घर में रहने की हिदायत दी जा रही है और सख्ती से भी कहीं कहीं पालन करवाया जा रहा है नाइट कर्फ्यू का। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, लखीमपुर में कितने कोरोना मामले सामने आ चुके हैं 24 घंटे में? देखिए, बिल्कुल बता दूं, लखीमपुर खीरी में जो है 23 जो एक्टिव मामले इस समय आज की डेट में मौजूद हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो कोरोना को लेकर जो जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिलाधिकारी के द्वारा सख्ती से निर्देश दिया गया स्वास्थ्य विभाग के लिए कि जगह जगह पर कैंप लगा करके, चाहे वो बस अड्डा हो, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे वो जहां भी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद करने के लिए निर्देश दिया गया जिलाधिकारी के द्वारा। बाकायदा सैंपलिंग की करीब लगभग 24 घंटे में लखीमपुर खीरी में जो है 3300 जो है सैंपलिंग की जा रही है। जी, अगर बात करें टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ी है या नहीं अभी? देखिए, बिल्कुल जिलाधिकारी के निर्देश के बाद में बिल्कुल जो है सैंपलिंग की जो है रेट जो है बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बढ़ाई गई है। और अगर हम जिलाधिकारी के निर्देश के पालन की बात करें, तो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से चाक चौबंद रखे हुए है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी चूक न होने पाए जिससे कि जो मामले जो है बढ़ते नजर आए। लेकिन फिर भी अगर कोरोना की जो रफ्तार है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जी, अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो उनमें कितना सुधार हुआ है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल जो जिलाधिकारी के आदेश के बाद में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मामले आए दिन बढ़ रहे हैं कोरोना के, उससे कहीं ना कहीं पे कुछ न कुछ तो लापरवाहियां जरूर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है। अगर ऐसा न हो तो कंट्रोलिंग नहीं हो पा रहा है। जी, लोग कितने लापरवाह दिख रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले सब तरफ बढ़ रहे हैं और जागरूक भी किया जा रहा है लोगों को, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है, तो लोग कितने लापरवाह हैं अभी? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात आम आदमी की करें, जो मार्केट में लोग निकलते हैं, बाजार जाते हैं, लोग मार्केट जाते हैं, हम जो देख रहे हैं मार्केट में जाकर, वहां पर जो लोग निकल रहे हैं वो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जी, और जिस तरह से ये आदेश आया है कि बिना मास्क के सामान नहीं दिया जाएगा, दुकानदार सख्ती दिखाएं और सामान ना दे, तो इसका कितना पालन करा जा रहा है? जो व्यवसायी है, जो दुकानदार है, बिल्कुल वो फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल इस आदेश का पालन, बिना मास्क लगाए जो लोग जा रहे हैं दुकानों पर उनको सामान, लेकिन इस तरीके से अभी लखीमपुर जनपद में कोई इस तरीके का आदेश का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। ना कहीं पे मास्क दिख रहे हैं, ना तो कोई जो आदेश है, ना आदेश का दुकानदार ही पालन कर रहे हैं, ना तो ग्राहक ही पालन कर पा रहे हैं। जी, तो दुकानदार भी मास्क लगाए दिखते हैं या वो भी ऐसे ही हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें मार्केट में, तो अगर हम 100 दुकानों को दुकानदारों को देखते हैं, कहीं ना कहीं 5 अगर मिलते हैं, बाकी 95 जो है वो बिल्कुल बिना मास्क के ही मिलेंगे। जी, तो क्या पुलिस प्रशासन ऐसे में सख्ती कर रहा है? देखिए, बिल्कुल पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें, तो पुलिस प्रशासन जो है
अगर हम उनसे बात होती है तो वो अपनी तरफ से तो बयानबाजी करते हैं कि हम जो पालन करवा, लेकिन अगर सख्ती पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्ती दिखाई दिखाई जाएगी तो बिल्कुल जो है सुधार जरूर होगा, लोग मास्क लगाकर निकलेंगे, लेकिन अभी ऐसा ऐसा माहौल दिख नहीं रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं पालन करवाया गया। जी अगर बात करें नाइट कर्फ्यू की तो उसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, पुलिस द्वारा गश्त करने की भी खबरें कई जगह से सामने आ रही है, तो जिले का क्या हाल है? देखिए बिल्कुल अगर नाइट कर्फ्यू की बात करें हम दरअसल लखीमपुर खीरी की, तो यहाँ पर नाइट कर्फ्यू में तो पुलिस गश्त करती दिख रही है, लेकिन अगर दिन में भी मास्क का प्रयोग किया जाए तो कहीं ना कहीं से कोरोना का बचाव जो पूरी तरह से पालन किया जा सकता है, लेकिन अगर दिन में ही हम लोग मास्क नहीं लगाएंगे, लोग मार्केट में जा रहे हैं बिना मास्क लगाए जा रहे हैं, दुकानदार भी बिना मास्क लगाए ही सामान बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ पे भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, और ये भी बताया गया है संवाददाता द्वारा कि जो मामले हैं वो लोगों की लापरवाही और पुलिस प्रशासन की ढील की वजह से भी बढ़ रहे हैं। वहीं अब अगली खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में डलमऊ क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शिक्षक ने छात्रा को अच्छे नंबर से पास कराने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद छात्रा ने इसकी शिकायत डलमऊ पुलिस से की। 30 दिसंबर को छात्रा की तरफ से तहरीर दी गई, जिसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन शिकायत के बाद भी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। पूरे मामले को लेकर जानकारी दी जा रही है कि आरोपी शिक्षक स्कूल के प्रबंधक का बेटा है और छात्रा को अच्छे नंबर देने के बहाने से छात्रा के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। बाद में जब पीड़िता के परिजन उसे पेट में दर्द होने पर अस्पताल लेकर गए तो उसके 5 महीने के गर्भवती होने की बात सामने आई। वहीं अब इस मामले में आरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आश्वासन के तौर पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम स्कूल जा रहे थे तो स्कूल में ऐसा मामला हुआ कि हम स्कूल जाते थे रिजल्ट के लिए, हमेशा जाते थे, पढ़ाई कर चुके थे हाई स्कूल से, पढ़ाई वहाँ पे 9th से पढ़ाई कर रही थी, तो हाई स्कूल का रिजल्ट भी नहीं दे रहे थे हमारा, तो हाई स्कूल के रिजल्ट ने बोले कि स्कूल आओगी तभी देंगे, और कर दे गए थे हाई स्कूल का रिजल्ट, फर्स्ट ईयर में दिया, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट अभी दिए थे बाद में इंटर में जब आए, तो उसके बाद ये सब हमारे साथ सोसाइड करते रहे। संतोष कुमार यादव, ये उन्हीं के स्कूल है, किसान इंटर कॉलेज बडरवा, अच्छा। उन्हीं के स्कूल है, और बुला बुला के बोले, धमकी भी दे रहे थे कि अगर तो स्कूल नहीं आओगी तो सबको तुम्हारी ही बेइज्जती होगी, इसीलिए हम स्कूल जा रहे थे, और यही सब करने के लिए यही सब करते थे हम सब। अगर जो बोले कि अगर अपने घर पे बताओगी तो मारने की धमकी देते थे कि तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारे घर वालों को सबको हम मार देंगे, इसीलिए इसी डर के वजह से हम कभी किसी से शिकायत ही नहीं किए, और छुपा के रख के जब हमारी शादी हुई तो हमें ससुराल वालों को पता चला, तो ससुराल वाले चेकअप किए, इसका पूरा प्रूफ है हमारे पास, तो हमने उनसे डर के मारे सच्चाई बता दी, हम बोले संतोष कुमार के स्कूल में जाते थे, ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। रायबरेली से एक खबर सामने आई है, जहां 6 नंबर से पास कराने और धमकाने के बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, क्या है पूरा मामला, जिस तरह का आरोप लगा रही है पीड़िता, क्या कहेंगे इसमें? ये निश्चित ये रायबरेली जिले के लिए एक पहला मामला है जिसमें एक सरकारी शिक्षक ने ही एक जो है पढ़ने वाली छात्रा के नंबर बढ़वाने के नाम पर यौन शोषण किया, और जब 1.5 महीने पहले उसकी शादी हुई है और महिला ससुराल जाती है तो उसके जब पेट में दर्द होता है और ससुराल जन उसको लेकर जिला अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर जांच के दौरान ये पता चलता है कि इस महिला के पेट में 5 माह का गर्भ है, जिसके बाद ससुराल जनों में हड़कंप मच जाता है, और जब उस महिला ससुराल में पूछताछ की जाती है तो जो है क्या करता वो सही बात बताती है कि स्कूल का जो प्रबंधक है उनका एक बेटा है जो किसान इंटर कॉलेज के प्रबंधक के साथ साथ एक सरकारी विद्यालय में वो टीचर भी है, उसने नंबर बढ़वाने के नाम पर यौन शोषण किया था, ये गर्भ उसी का है। जी, तो इसमें शिकायत तो दर्ज कर ली गई है लेकिन कार्रवाई नहीं होने की बात भी सामने आ रही है, क्या कहेंगे इसमें, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जी हाँ, इस पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 376 और 506 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत
कर लिया गया है और आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जी उमशंकर, हम ये जानना चाहेंगे कि जब ये बात का खुलासा हुआ तो पीड़िता के परिजन और ससुराल जनों का क्या कहना है? ये निश्चित कहीं ना कहीं पीड़िता पर दोहरी मार पड़ रहे हैं, वो परिजनों से भी मुंह छुपाए घूम रही है और जो है ससुराल जनों में भी उसके यहाँ जो है विवाद बढ़ गया है। लेकिन हालांकि सही बात बताने के बाद जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, लेकिन आपको बताते चले ये इतना दबंग प्रधान है, इंटर कॉलेज का जो प्रबंधक है इसका बेटा है, ये भी सरकारी विद्यालय में प्राइमरी में शिक्षक है, ये उसके द्वारा की गई ये घटना जो कालित की गई है वो कहीं ना कहीं एक शिक्षक समाज के साथ साथ रायबरेली जिले के लिए कलंक है। जी तो ओमशंकर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये घटना निकल के सामने आई है तो क्या किसी और ने भी इस तरह का आरोप लगाया है या सिर्फ एक पीड़िता ने ही आरोप लगाया है? नहीं, अभी तो सिर्फ एक पीड़िता ने आरोप लगाया है और उसकी तहरीर भी दी है, मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जी तो क्या आरोपी फरार हो चुका है? जी हाँ, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अभी आरोपी को पकड़ने में पुलिस कामयाब नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता ओमशंकर शुक्ला जुड़े थे रायबरेली से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।